खेल ले, मेरे साथ तू ऐसा लड़ेगा। दिस इज गुड। ये मरता क्यों नहीं है? इसको कितने हार्ट से जारे की एरोज नहीं पड़ रही क्या? एरोज नहीं पड़ रही क्या? सो अभी जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है वो कोई नॉर्मल क्लिप नहीं है, और ना ही मैंने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वाला क्लिप दिखाया है। बेसिकली इस वाले क्लिप में छिपी है कितनी तगड़ी हिडन डिटेल, जो कि आप में से 99% बंदों ने नोटिस नहीं किया होगा। सो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तगड़ी ये वाली हिडन डिटेल होने वाली है। सो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बार फिर से अपन लोग आ चुके एक धमाकेदार वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ड्रीम बॉय के चैनल पर हिमलैंड सीजन 4 का डे 40 यानी कि एपिसोड नंबर 40 आ चुका है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उस वाली वीडियो को देखो, बिकॉज भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ी है वाली वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको उसी वीडियो की कुछ हिडन डिटेल्स को बताने वाला हूं, जो कि आप में से बहुत सारे बंदों ने नोटिस नहीं किया होगा। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे हिमलैंड से फिर स्मार्ट डिवाइस से कोई भी हेट नहीं है, मैं बस केवल उनकी वीडियोस की हिडन डिटेल्स को बताता हूं। सो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की हिडन डिटेल के बारे में, बट उससे पहले मैं आपके सामने क्लिप ले करता हूँ जो कि आपको ध्यान से देखना है। और अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो क्लिप को ध्यान से देखना। गाइस, दिस इज अवर न्यू डोरा हाउस। यस, ये अब ड्रीम बॉय का डोरा हाउस है, इसी के अंदर रहने वाला हूँ अभी मैं। अजीब बात है पर अब क्या बोलूं तुम लोग को, चलते हैं अंदर। और मेरे को ना टॉर्च लगानी है एक, तो चलो बेटा आई थिंक टॉर्च यहाँ ठीक रहेगी। और अब देखो, मुझे पता है तुम लोग कुछ समझे नहीं होगे, तो यहाँ पर जब ड्रीम बॉय भाई अपना घर दिखा रहे थे तो उनके पास अचानक से गोल्डन हार्ट्स आ जाते हैं, और जब वो अपना इन्वेंटरी ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको अब्सॉर्प्शन का और रीजनरेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब भाई ये वाला इफेक्ट उनको कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, बट क्या आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था? और भाई इस चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ही बात कर लेते हैं अगली और मेन हिडन डिटेल के बारे में। सो अभी मैं आप लोग के सामने क्लिप प्ले करने वाला हूँ जो कि आप लोग को ध्यान से देखना है, बिकॉज ये वाली हिडन डिटेल 99% बंदे नोटिस नहीं कर पाएंगे। सो क्लिप को एकदम ध्यान से देखना। मेरे साथ तू ऐसा लड़ेगा, आजा ये ले, मेरे साथ तू ऐसा लड़ेगा। दिस इज गुड। ये मरता क्यों नहीं है? इसको कितने हार्ट से यार? ओ बेचारे की एरोज नहीं पड़ रही क्या? एरोज नहीं पड़ रही क्या? लेट्स गो। व्हाट, ये फिर से आ गया? व्हाट द हेल? नहीं, निकल बेटे निकल, ड्रीम बॉय। सो आई थिंक तुम लोग कुछ समझे नहीं होंगे कि इसमें हुआ क्या है, बट मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर जब फेक स्मार्टी भाई ड्रीम बॉय के पीछे पड़े हुए थे तो यहाँ पर ड्रीम बॉय उनको काफी ज्यादा हिट मारता है अपनी एक्स से, बट उनको कुछ भी नहीं होता है। मतलब ड्रीम बॉय उनको 3-4 हिट मार देता है बट वो फिर भी नहीं मरता है। बट यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्लिप में जब फेक स्मार्टी भाई आते हैं ड्रीम बॉय को मारने, तो यहाँ पर ड्रीम बॉय के 2 हिट से ही स्मार्टी भाई मर जाते हैं। और भाई ऐसा एक बार नहीं, 2-2 बार होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, बट क्या आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था? और अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं अपनी अगली हिडन डिटेल के बारे में। और भाई इस बार मैं आपको कोई भी क्लिप नहीं दिखाने वाला हूँ, बस केवल एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, और इसको आप एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस वाले स्क्रीनशॉट में आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिखा है प्रेस स्पेस टू ग्लाइड। तो आपको तो पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट का रियल फॉन्ट यही है, मतलब माइनक्राफ्ट में सभी टूल्स के नाम वगैरह इसी प्रकार से लिखे रहते हैं। बट यहाँ पर नीचे जो लिखा है क्लिक टू लेविटेट, इसका भाई फॉन्ट चेंज है। और भाई ये इस फेदर वाले वेपन का नाम है जो कि भाई एनविल से लिखा गया है, बिकॉज जब भी आप एनविल से कुछ भी ऐसा लिखते हो तो इसी फॉन्ट में होता है। और भाई इस चीज को शायद से किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता था फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दैट्स इट, यही थी कुछ हिडन डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस करी थी। बाकी अगर आपको कोई और हिडन डिटेल पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी वक्त है एक नए अंदाज में भीख मांगने का। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी हद तक पसंद आई होगी, और भाई मुझे पता है तुम लोग को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है, और इसी बात पर तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी करने वाले हो। और जो जो लोग भी सब्सक्राइब करना हो प्लीज बेल आइकन ऑन कर देना। सो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।